अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ेन स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बी एस इन इंग्लिश कैन सी हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज ग्रामर इंग्लिश टू एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। व्यूअर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फुल टॉपिक। इफ़ यू नीड अनदर टॉपिक प्लीज़ टेल मी बाई कमेंटिंग, यू विल गेट द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। I'm gonna start the topic pronoun. A pronoun is a word instead of noun or noun equivalent. Pronoun noun or noun equivalent की जगह इस्तेमाल होता है। Kinds of pronoun: first personal pronoun, second impersonal pronoun, third possessive pronoun, fourth interrogative pronoun, fifth demonstrative pronoun, sixth indefinite pronoun, seventh relative pronoun, eighth distributive pronoun, नाइन्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, टेंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन इट इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। जब एक प्रोनाउन किसी शख्स की जगह इस्तेमाल होता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो बेसिकली प्रोनाउन माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर, ये आर पोसेसिव प्रोनाउन। सेकेंड इम्पर्सनल प्रोनाउन, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन, और ये एक और किस्म है प्रोनाउन की जो इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, लोअर एनिमल, और ये बेजान चीज़ों और छोटे जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ पेन, पेन एक बेजान चीज़ है, इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, हॉर्स गिर गया और इसकी टांग टूट गई, इट्स पर्सनल प्रोनाउन। हेयर इज अ बुक, टेक इट, इट पर्सनल इम्पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड पोसेसिव प्रोनाउन, अ पोसेसिव इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन व्हेन इट डिनोट्स पोसेशन। एक पोसेसिव इस वक्त पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है जब वो पोसेशन को डिनोट करता है। सच पोसेसिव प्रोनाउन आर माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, इट इज, इट्स। फोर्थ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दे आर प्रोनाउन विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, और ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन विच वी गेट इन आंसर टू द क्वेश्चन, और ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं किसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वट इज दिस, ये क्या है, वट इंटरगेटिव प्रोनाउन है। इट इज़ अ बुक, द फॉलोइंग आर द इंटरगेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज, विच, वट। फर्स्ट ऑफ ऑल, who, whom and whose are used for indicating persons. who are you, तुम कौन हो, who interrogative pronoun. whom do you like, क्या तुम्हें ये पसंद है, वो interrogative pronoun. whose is this book, ये किसकी किताब है, whose interrogative noun. and second, which, which is used for selecting a person or thing. which किसी भी शख्स या चीज़ को choose करने के लिए इस्तेमाल होता है। which is your book, ये तुम्हारी किताब है, क्या ये तुम्हारी किताब है, which interrogative pronoun. third, what, what is used in general sense of asking what is he, what is your name, what interrogative pronoun. fifth, demonstrative pronoun, these pronouns are used in place of noun to which they point, aur ye pronoun is jagah istemal hote hain noun ki jagah par jahan pe use point out kiya gaya ho ke wahi cheez. फॉर एग्जाम्पल, दिस, ये चीज़, डैट, वो चीज़, दिस, ये चीज़ें, दोज, वो चीज़ें. सिक्स, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल, नॉट इन पार्टिकुलर. इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे, यानी कि प्रोनाउन और चीज़ें हैं जिन्हें जनरल तौर पर रिफर्स किया जाए, खास तौर पर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, मच, नन, वन, एनी, यानी कि इस, ये इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए किसी को मुंतखब करना, किसी चीज़ को, किसी पर्सन या शख्स को, ना कि उसका नेम लेके खास तौर पर उसी को मुंतखब किया गया है, इस तरह नहीं.
रिलेटिव प्रोनाउन आर आल्सो कॉल्ड लिंकिंग प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन को लिंकिंग प्रोनाउन भी कहते हैं. अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन डैट रिफर्स टू अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड जॉइन टू सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन को रिफर्स करते हैं और दो जुमलों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इट सर्व द पर्पज़ ऑफ बोथ द प्रोनाउन एंड कंजक्टिव. और शे प्रोनाउन और कंजक्टिव दोनों का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय केम फ्रॉम फैसलाबाद. अब इसका रिलेटिव प्रोनाउन है आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम फैसलाबाद. और एक और मिसाल ले लें, दिस इज द बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू माई फादर. इसका रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज बुक विच बिलोंग्स टू माई फादर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दीज आर द प्रोनाउन विच डिनोट्स अ पर्सन और थिंग सेपरेटली. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ को या जगह को अलग 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 यानी कि डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच, अदर, इधर, नेदर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं और इस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स और एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा हो. जैसे कि आई कट माई सेल्फ, यानी कि आई मैंने कट माई सेल्फ यानी कि खुद के साथ. शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, वो खुद को ब्लेम्ड कर रही है हर सेल्फ. यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यू योर सेल्फ. Reciprocal pronouns, each other and one another, are called reciprocal pronouns. For example, the two boys had each other. They loved one another. The brothers stood with each other. They stood against one another. Guys, ये था आज का topic pronoun and its kind. And please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. Or video अच्छी लगे please press the like button and share my video with your friends. If you don't understand, tell me by comment box. And thanks for watching this video. Allah Hafiz.